namaskar ashish mittal again from arson friends one of the most happiest moments of our life is when we have a baby and uh, for our babies we try to do the best thing that can be done and uh, one of the most important things when we uh, think about our little uh, baby is a cradle this is a wood cradle full wood unit and uh, i'm showing you two units

जरूरी भी होता है बच्चे के लिए और एक बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके छोटे से प्यारे से बच्चे के लिए जो आपकी गोद में है और जो सोते टाइम उसको एक छोटा सा झूला चाहिए होता है क्योंकि कुदरती नेचुरली जब बच्चा हिलता है तो वो आराम से सो पाता है क्रेडल कपड़े के भी आते हैं क्रेडल प्लास्टिक ही बनते हैं हम बनाते हैं वुड में सॉलिड वुड और ये है शीशम वुड में दिस वन इज इन टीक वुड शीशम वुड टीक वुड डिजाइन सेम है ये छोटा है थोड़ा ये ऑन ऑर्डर थोड़ा बना, बड़ा बनाया गया है ये जा रहा है वेस्ट और दिस वन विल बी गोइंग तो यूएस फरीदाबाद के क्लाइंट हैं उनके लिए यूएस जाएगा अब बात करते हैं पहले साइज की ये हमारा रेगुलर यूनिट है और रेगुलर यूनिट में क्रेडल पार्ट मिडल पार्ट होता है थर्टी बाय ट्वेंटी फोर तो टू एंड हाफ फीट बाय टू फीट क्रेडल एरिया एक छोटे बेबी के लिए काफी स्पेशियस भी है और जुलाने के लिए काफी कंफर्टेबल भी इसमें आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लगाना होगा जो हम प्रोवाइड नहीं करते वो आप लोकली अपना क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं छोटा से पिलो या क्वेश्चन और साइज की ओवरऑल साइज की बात करें तो ये आउट एंड आउट पांच फीट एरिया कवर करता है और फ्रंट से बैक 24 फोर इंच टू फीट बाय फाइव फीट हाइट है टोटल फोर फीट यहां तक फुल वुड यूनिट है जो टॉप पार्ट आप देख रहे हैं बेस हो गया और पूरी तरह से स्टर्डी यूनिट है बच्चे हमारे भी हैं हम भी चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो तो छोटे से पालने में भी ऊपर भी सपोर्ट है नीचे भी सपोर्ट है एक प्रॉपर बॉक्स बन गया है कंप्लीट सपोर्ट के लिए और सॉलिड है यूनिट आपके सामने है और इसकी बात करें अगर इंस्टॉलेशन की ये चार पार्ट्स में आता है ये पैर अलग ये टॉप पार्ट अलग क्रेडल पार्ट अलग और नीचे की पट्टी अलग फोर पार्ट्स नीड टू डू हम ये दोनों रख के बीच का ये पार्ट इसमें लगा देते हैं और नीचे की पट्टी लगाकर हमें यहाँ पर दो बोल्ट टाइट करने हैं और ये हैंग करना है अब बात करें इससे बड़े यूनिट की जो टीक वुड में है हाइट इसकी भी फोर फीट है लेकिन ये थोड़ा बड़ा बनाया गया है इसका क्रेडल पार्ट है तीन फीट का जो हम अंदर का एरिया ले रहे हैं तीन फिट का है और इसकी गहराई है लगभग इंच तो ये उससे थोड़ा बड़ा है और आउट एंड आउट भी ये छह फीट में है तो साइज इसका थोड़ा आउटर भी बड़ा है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बनाया गया है इसकी अगर इस पोर्शन की बात करें हाइट की तो लगभग थर्टीन इंच का एरिया इसके अंदर कवर किया गया है बैक तक लगभग ये फिफ्टीन इंच कर रहा है ये एरिया इसका अप्रोक्स फिफ्टीन इंच के आसपास है और इस वाले में ये होता है आठ इंच दिस इज एट इंच सॉलिड वुड में आपको पता है कि ये यूनिट्स बहुत लंबे टाइम तक लास्ट करती हैं बहुत ड्यूरेबल होती हैं काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्रेडल कितने बड़े बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं देखिए लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें जब तक बच्चा खड़ा होना शुरू ना कर दे या बच्चा क्रॉल करना ना शुरू कर दे तब तक आप उसके लिए cradle या पालने यूज कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल पालने में बच्चा अगर खुद उठकर बैठ जाए या उससे उतरने की कोशिश करे तो वो दिक्कत वाला काम हो सकता है उसके लिए फिर चलते हैं क्रिब्स जो पूरे पूरे जाल टाइप्स बड़े वाले होते हैं कि बच्चा खड़ा हो गया अंदर ही खड़ा हो जाए और बाहर ना निकल पाए क्रेडल मोस्टली बच्चे के सोने के लिए होते हैं और छोटे बच्चों के लिए होते हैं लेकिन यूनिट मजबूत है 20-25 किलो वजन में कुछ नहीं बिगड़ता आराम से आपका बच्चा सो सकता है आई होप यू लाइक दिस दिस इज़ द आर्ट वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ़ आर्सन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फ्यू कमेंट ऑफ योर्स डू लेट नो हाउ वी आर डूंग